जिन भाई की गाड़ी है ना उनकी ये सारी ही गाड़ियां हैं, ये देख सकते हो अपनी छोड़ के। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल पवार ब्रदर्स। तो कैसे हो सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपके सामने है BMW 3 सीरीज 330 Li। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा कुछ मैं आपको बता दूँ, तो 1998 cc का अपने को इंजन मिल जाता है, 255 की BHP मिल जाती है और 400 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिल जाती है। तो भाई आज खास बात क्या है, जो जिन भाई की गाड़ी है ना उनकी ये सारी ही गाड़ियाँ हैं, ये देख सकते हो अपनी छोड़ के। तो आज हम करने वाले हैं जो BMW है उसका रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू। तो भाई से सारी चीज़ें पूछेंगे, इसकी अच्छाई बुराई क्या है क्या नहीं है। तो कंटिन्यू करो वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको अपनी वीडियो जो अच्छी लगेगी। भाई अब मैं भाई को बुलाता हूँ जिनकी ये भाई की गाड़ी है, तो आ जाओ भाई सामने। और सुनाओ भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, मजा आ रहे हैं जी। तो भाई अपनी गाड़ी के बारे में बताओ, कितने की है, क्या सीन है इसका, यही क्यों ली, सारी बातें बताओ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपने कितने की ली गाड़ी है? भाई 88 लैक्स। तो भाई डीजल है पेट्रोल है? पेट्रोल है। तो अच्छा, तो भाई BMW 88 लाख। तो और कोई गाड़ी क्यों नहीं देखी इसमें, ऐसे क्या मतलब मजा लगा कि आपने 88 लाख रुपए लगाने जरूरी समझे? अच्छा, फीचर्स वगैरह भी बहुत बढ़िया है। फीचर्स तो ऐसा क्या फीचर है मतलब जो आपको सबसे अच्छा लगा? स्पीड मतलब ऐसे कितनी भागती है भाई? भाई इन सब से तो ऊपर ही है। इन सब तो ऊपर है, मतलब जितनी भी ये गाड़ियां खड़ी हैं टॉप सब तो तेज भागा है। अच्छा, तो भाई इतनी गाड़ियों का क्या कहानी है, कितनी इतनी गाड़ियों का क्या करते हो भाई? ना भाई ये तो अपने घर की गाड़ियां। अच्छा, गाड़ियों का। और भाई एक चीज समझ नहीं आई, ये फॉर्च्यूनर इतनी फॉर्च्यूनर क्यों ले रखी है भाई? ये ऊंची गाड़ियों का थोड़ा सा फॉर्च्यूनर ठीक लगती है। ऊंची गाड़ी फॉर्च्यूनर थोड़ी ठीक लगे है। चलो भाई बहुत बढ़िया। एंडेवर वगैरह क्यों ना ली, अगर एंडेवर भी ऊंची है? एंडेवर भी ली थी भाई। अच्छा, वो तो फिर बेच दी, चल दी, चलते चलाते ही बेच दी। तो भाई इस गाड़ी की BMW के बारे में बताओ, आ जाओ अंदर ही, आ जाओ अंदर बैठ के बातें करते हैं। भाई बैठते हैं BMW गाड़ी के अंदर। ओहो भाई सही कह रहे हो, इंटीरियर तो कमाल का है आपकी गाड़ी का। ना कुशल भाई बढ़िया भाई, एक नंबर आ रही है फील भाई। पीछे आप एक चीज देखो, टाइप सी दे रखे है, अभी तक टाइप ए आते हैं और गाड़ियों में जितनी में भी। अच्छा सही है भाई, हाँ कुछ इंटीरियर है। तो भाई एक बात बताओ, इतनी ऊंची ऊंची गाड़ियां ले रखी है आपने, ये तो बहुत नीची गाड़ी, तो दिक्कत ना होने गाड़ी में? मतलब दिक्कत तो होती है यार, इतनी नीची गाड़ी टिकने विकने की ये बहुत दिक्कत होती है इसमें, बहुत दिक्कत, कोई नहीं निकलती घर से बाहर। जेगुआर जी? अच्छा, तो भाई एवरेज क्या मिलती है इतनी बड़ी पेट्रोल की गाड़ी ले रखी है 90 लाख रुपए की, तो मतलब क्या सीन है इसकी एवरेज वगैरह का? एवरेज वगैरह क्या देख रही है? अच्छा जी, अभी तो बताया आपको शौक के लिए कार ले रखी है, सारी इतनी है, बढ़िया चला रहा है। सोचा रहा मैं तेल अपना आप आ जावा कहीं ना कहीं, तेल तो घर वाले डलवा के देते हैं फिर। भाई ये भी सही है। भाई करते क्या हो आप? भाई करते क्या, कॉलेज जाते हैं। सही है भाई। अच्छा ये बताओ, चलो इसकी सर्विस वगैरह का क्या सीन है, गाड़ी इतनी महंगी गाड़ी है, कितने की सर्विस होती होगी BMW की? भाई इसकी भाई स्टार्टिंग कितने से, 4-5 लाख से स्टार्ट है इसकी। अच्छा जी, आगे तो फिर बढ़ती है सबकी। हाँ कि कितनी करवाते जाओ, कितनी करवा लो। अच्छा भाई कब ली थी आपने गाड़ी ये? भाई ली थी अभी एक साल पहले। एक साल पहले, 2021 मॉडल है। कितनी चला दी भाई गाड़ी? कितनी चला दी यार, कोई अंदाजा ना है? 4000 चले गए, 5000 चलने वाले। अच्छा, कहीं लंबी ट्रिप वगैरह करी है इससे? लंबी ट्रिप तो नहीं यार, कॉलेज तक ही जा चुकी है। कॉलेज तक ही जाते। अच्छा एक बात होता, मेरा पर्सनल का सवाल है, इतनी सारी गाड़ियाँ कौन सी गाड़ी प्रीफर करते हो आपके भाई, ये चलाने में सब तो मजा आते हैं और इससे वैल्यू मतलब बढ़िया बनती है? मजे तो भाई वो खड़े जेगुआर। अच्छा जेगुआर, BMW से अच्छी जेगुआर। अच्छा जी, मतलब अगर इन दोनों का कंपेयर करें BMW और जेगुआर का, तो आप किसको कहना चाहोगे कि भाई वैल्यू फॉर मनी है गाड़ी? वही ठीक है। हाँ। भाई भाई का सही हिसाब किताब, वही ठीक। अरे रेंज रोवर का क्या सीन है? रेंज रोवर भी ठीक है यार, ऐसा ठीक है। ऐसी बात बताओ, आपने तारीफ तो बहुत कर ली गाड़ी की, कमी बताओ कि क्या कमी है गाड़ी में, क्या कमी नहीं है? कमी तो यार क्या बताऊं इसमें,
कोई मतलब तक आई होगी यार 90 लाख रुपए लगाए, 90 लाख में कुछ और गाड़ी ले लेते, यही लेनी पड़ी, ऐसा कुछ ये इनकी सर्विस वगैरह की वो दिक्कत है बस, महंगी पड़ती है। हाँ महंगी पड़ती है, और बाहर लेके जाओ कहीं चलती भी नहीं अच्छे से। मतलब कैसे रोड वगैरह? अच्छा नीची है, नीची गाड़ी। हाँ इंडियन रोड के ठीक है, बाहर के लिए ठीक है। बाहर के लिए कहीं दिल्ली उल्ली जाओ मतलब जहाँ सही रोड हो वैसे तो वहाँ के लिए। भाई बाहर भी बड़ी मुश्किल से नहीं। भाई अड़ी बड़ी है गाड़ी आज तक कहीं मतलब ऐसे? हाँ खूब खूब बड़ी है। अच्छा जी बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्या कहना चाहोगे BMW की? भाई अगर मान लो एक्सीडेंट हुआ कहीं की गाड़ी, ना हुआ कहीं, फील आती है कि भाई अगर कुछ हो गया तो बच जाएगी मतलब गाड़ी? हाँ बच जाएगी ऐसा सेफ्टी के तौर पे मतलब सेफ्टी। एक भरोसा सा ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है गाड़ी का? वो तो सब भाई ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। अच्छा एक ब्रेक मतलब इनकी सेफ्टी तो भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। पहले ली थी 2008 में 2009 में। अच्छा वो चली थी बहुत बढ़िया। अच्छा उसके 10-12 बार एक्सीडेंट हो चुके BMW की। अच्छा X1 ली थी भाई। हाँ सब बच गए। अब नेक्स्ट कोई गाड़ी लेना चाहोगे तो BMW की लोगे? हाँ। अच्छा मतलब कोई दिक्कत ना, BMW पसंद आ रही है? पसंद आ रही है। अच्छा और अब लेके आ रहे हैं कौन सी जी लेके आ रहे हैं? कौन सी? सिर्फ वो BMW। अच्छा जी हाँ वो X4 कह रहे थे भाई। X4 हाँ X4 सही है भाई। 5 तारीख ऐसा क्या कमाई दवाई है भाई, इतना जो पैसा भरा आए जा रहा, गाड़ी आए जा रही, इतनी सारी गाड़ियां खड़ी है, हैं कमाई तो क्या है घर का ही हुआ है। हाँ खर्चा निकल रहा है ना, घर का बिजनेस है, घर के कमा तो दे रहे, गाड़ी ले लो भाई हमें तो क्या चलानी है। और सही है भाई। तो इनमें वेंटिलेटेड सीट वगैरह है? हाँ वेंटिलेटेड सीट है, आप उसमें लिख रहा है भाई वेंटिलेशन हीटिंग वगैरह है। ओके की रिपोर्ट है मतलब गाड़ी तो खुशहाल, मजा आ रहा है। सही है भाई, ऐसा गियर लीवर बड़ा प्यारा है यार इसका, मर्सिडीज तो प्यारा गियर लीवर लगा है इसका, है ना? इंजन स्टाफ मीडिया नैप वगैरह मतलब सारी चीजें भाई आए थे, स्पोर्ट्स कम्फर्ट इको प्रो सारे मोड देख लो भाई, कितने सारे मोड दे रखे हैं गाड़ी में, मतलब कोई कमी ना छोड़ रखी गाड़ी में। और जो एक खास बात होता हूँ भाई, जो फिनिशिंग दे रखी है ना गाड़ी की, ये सबसे प्यारी है ना विशाल? हाँ भाई फिनिशिंग बड़ी प्यारी है गाड़ी की, एंबिएंट लाइटिंग पूरी एक अच्छे तरीके से मेंटेन। हाँ जो हम आफ्टर मार्केट करवा दे काम वो तो बेकार लगे। और देख भाई ये एंबिएंट लाइटिंग मतलब इतनी प्यारी है, यहाँ तो कुछ दिख ना रही क्योंकि रात होगी तो ये नजर आएगी, एक बार करके देखो दे रहा ना ना पड़ रही सर। और दूसरी बात जो इसका इंटीरियर है कि भाई ये जो कलर है, लेदर की फिनिशिंग है, ये मतलब सारी चीज ओके की रिपोर्ट है। भाई मैं पीछे बैठा हूं तो हाँ। मतलब ये लगा लो पूरा लग्जरियस फील आ रहा है, मालिक वाला फील आ रहा है। ये वो राइड लेके देखते हैं। तो भाई जल्दी है अपन BMW में घूमने के लिए, राइड लेने के लिए। तो भाई एक जो इसका बोनट है ना वो जल देख, बहुत लंबा भाई बोनट, ज्यादा ही लंबा वैसे यहाँ के हिसाब से तो बहुत दिक्कत आती है गाड़ी में, है ना? और कहीं तक खाऊंगा कि नुकसान हो जाए तो दिक्कत। अब यो ब्रेकर है भाई सामने, इसमें देखना बेचारी कैसे आएगी। वैसे फॉर्च्यूनर का आगे तो कुछ ना है, देखी जावे तो फॉर्च्यूनर तो है ना इन मामले में। हाँ इसमें देखिए कितना ऊपर दे रखा है, 4 सीटर ही है। हाँ। बस एड्रेस दे रखा है 5 सीटर वाला, पर मानिए 4 सीटर जाएगी, बीच वाला बेचारा ऐसे बैठ सके। अब भाई ब्रेकर तो बिल्कुल भाई ने बड़े प्यार से ली ब्रेकर पे भी गाड़ी एकदम। एक बार भाई पिकअप और दिखा दे इसका। खाली सर ना है, खाली पड़ा है अभी, लग रहता है ऐसे उड़ेगी। ओ भाई भाई थी। कुछ भी कुछ चढ़ सका है भाई। फिर ब्रेकर है, फिर देखो भाई को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है हमारे लिए। भाई हमें तो आ रही है अपना फुल फील आ रही है गाड़ी के साथ, कोई दिक्कत ना, बस एक थोड़ी सी कमी लगी नीचे वाले की, जैसे अपने ब्रेकर वगैरह हैं इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बाकी खैर मजे आ रहे हैं राइड वाइड में। ओके रिपोर्ट बिल्कुल, क्या कहना सर भाई यार हर पार है। 360 कैमरा ना हुआ क्या हमें? 360 अच्छा जी, फ्रंट पार्किंग सेंसर है। हाँ गियर का क्या हिसाब किताब भाई आप ही मतलब वैसे हिला विला कर रहे हो नॉर्मल गाड़ी में तो आगे पीछे तो करे जैसे। हाँ
भाई ये थोड़ा सा वैसा है ना, अलग से टाइप का गियर है, देख ध्यान से वहीं के वहीं ऊपर नहीं जाए भाई। तो हम अभी नए नए बच्चे सीख रहे हैं, अभी चीजों को नॉलेज हम गेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम पूरी नॉलेज तो आपको बता रहे हैं, मतलब गेन कर रहे हैं। तो धीरे 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 कर रहे हैं कार्रवाई अपने काम के ऊपर। भाई म्यूजिक सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहोगे गाड़ी के? म्यूजिक सिस्टम तो भाई है। अच्छा जी चलाओ मत, वो आ जाएगा कॉपीराइट। वैसे फील करके बता दो आपको क्या लग रहा है, मतलब म्यूजिक सिस्टम तो भाई बहुत बढ़िया है भाई, ये अलग से लगवाने की जरूरत नहीं है ना, लगता था हम कुछ भी कम। भाई एक सवाल और मेरा, व्हाइट में ही क्यों ली, ब्लैक में क्यों ना ली? ब्लैक मोर तगड़ी लगती, और मैंने देखा आपके घर में जितनी भी गाड़ियां सारी व्हाइट है। हाँ क्या व्हाइट कलर पसंद है क्या? व्हाइट यार ठीक लगती है। अच्छा चलो भाई बढ़िया। एक थार भी है, कब ली थी ये थार? थार भाई एक साल पहले। डीजल है पेट्रोल? पेट्रोल। मजे आ रहे हैं? थार भी ओके की रिपोर्ट है। अच्छा जी भाई हमें कहीं जाने की जरूरत ना, सारी गाड़ियों की जानकारी लेनी है ना, तो भाई तो पूछ लो सारी, इनके भाई पर यूँ लगा लो कोई सी गाड़ी ऐसी ना जो ना हो। भाई सनरूफ का क्या बताओगे, मतलब कैसी है? तो भाई सनरूफ देख लो पूरी खुशहाल, बढ़िया सनरूफ है, कोई दिक्कत ना, एक रिपोर्ट है। हाँ तो दोस्तों अभी राइड भी की BMW की, तो मतलब सही काफी अच्छा लगा, बस एक कमी थी थोड़ी भाई, नीचे बहुत है, यहाँ दो तीन ब्रेक करे तो बहुत देख के उतारनी पड़ी गाड़ी। अरे तो भाई ये ब्रेक रोकने थोड़ी बनाई है। हाँ बस इसको तो यह है कि भगाए जाओ भगाए जाओ भगाए जाओ। इंडियन रोड के हिसाब से तो फिर कनाडा चले खुशहाल, कनाडा ही चलेंगे भाई। एक प्रॉपरली साइड को एक चीज और ना बताइए, इसमें ना ये M Sport है, देख सकते हो आप बैटिंग साइड में, और ये तो तेल का पीपा है, तेल का भी बस अपन भाई ये कहा दिक्कत है, भाई ने कह दी कॉलेज जाना आना एंजॉय करना जिंदगी का, हमें टेंशन ना है। मैंने पूछी एवरेज कह रहे भाई देख लो अपना आप, हमें ना पता हमें तेल गिरे, अरे डर चलाए जाओ मैं जितनी मर्जी चलानी है। लो बाप किराए पे मौज ना भाई। आज की जो अपनी BMW वाली वीडियो थी वो इतनी थी, बाकी गाड़ियों का भी करेंगे रिव्यू, वो आपको मिल जाएगा चैनल पे। उस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। टाटा दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टुमारो।